ये उत्सव जैन धर्म का, महोत्सव पावन पर्व का, पंच कल्याण का पर्व है आया, जैनों के अभिमान का। गौरी गौरी मंगल गौरी, गौरी मंगल गौरी, गौरी गौरी, गौरी गौरी मंगल गौरी, गौरी मंगल गौरी, गौरी गौरी। मंगल गौरी घर घर दीप जलाओ री, मंगल गौरी घर घर दीप जलाओ री। पंच कल्याण महोत्सव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह भरा है और उस दिन उपस्थिति भी विशेष होती है और वह पालना झूलना। पालना झूलना है, देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है और तीर्थंकर भगत का अगर पालना हिलाते हैं तो पालना हिलाने का मतलब है कि देखो हम अब हिला रहे बुला रहे हैं लेकिन अब हमें संसार में हमें नहीं रोलना, इसलिए हम पालना झूला रहे हैं। ये उद्देश्य है और यही लॉजिक है और हर एक खुशियाँ आनंद में सहभागी होने का अवसर है। पंच कल्याण महोत्सव में दीक्षा ग्रहण का प्रसंग है, वहाँ पर देवताओं और मनुष्यों का जिक्र हुआ है लेकिन साथ साथ वहाँ मनुष्यों की महत्ता विशेष बताई गई है, मुझे से थोड़ा इसका अभिप्राय करो। निरीजन पदम सारम यदि तज्ज्वान सेतम आलिंगत वीर्य से सैमस्य धारणम, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि निरीजन्म फलम सार, मनुष्य जन्म का अगर फल सारभूत है तो ज्ञान सेवन करते हुए संयम को धारण कर, संयम से मनुस्मृति की विशेषता, उस संयम को देव धारण नहीं कर सकते, इसलिए संयम की मुख्यता से यहाँ पर मनुष्य को प्रथम अधिकार दिया जाता है। बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है और जिस पर समाज लगभग अनभिज्ञ है और उत्सुकता होती है जानने की, कृपया आप बताएं कि अंगन्यास विधि, सूर्य मंत्र और प्राण प्रतिष्ठा ये जो आपके द्वारा संपन्न हुई तो आपके द्वारा होने में बहुत प्रसन्नता की बात है, आखिर इसका अर्थ क्या है? पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अंगन्यास, तिलकदान विधि, प्राण प्रतिष्ठा, सूर्यमंदिर। तीर्थंकर की प्रतिमा पर जो बनाते समय अशुद्धियाँ हुई हैं, स्पर्श हुआ है आदि आदि हुआ है तो उन अंगों पर उन अक्षरों का न्यास करके अंग शुद्धि की जाती है। अंग शुद्धि की प्रक्रिया का नाम अंग न्यास है। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है? प्राण प्रतिष्ठा तो अभी तक प्रतिमा धातु की है, पाषाण की है, अब उसमें हम जीव या जीवन शक्ति निहित करेंगे, प्राणों का आरोहण कर रहे हैं, उसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। सूर्य मंत्र वो चीज है, सूर्य यहाँ पर दिगंबर मुनि है, सूर्य का अर्थ दिगंबर मुनि है, अब वहाँ पर आचार्य परमेष्ठी भी हो सकते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी हो सकते हैं, साधक परमेष्ठी भी हो सकते हैं, यह दिगंबर से लिया है। उनके द्वारा ऊर्जावत होकर के जो मंत्र दिया जाता है उस प्रतिमा में, उसका नाम है सूर्य मंत्र। ये पंच कल्याण है, ये प्राणी कल्याण कैसे है? पंच कल्याण प्राणी कल्याण है, समष्टि कल्याण है, विश्व कल्याण है। पंच कल्याण एक महान आत्मा को हो रहे हैं, हम प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं और प्रतिष्ठित प्रतिमा जो है वो जब मंदिर जी में विराजमान होगी, ऊर्जा बंद होकर के अनेक भक्त प्राणी उसका दर्शन करके लाभ लेंगे। प्रतिमा वैरागी है और वैरागी प्रतिमा को देख करके जो भाव होते हैं उस भावों को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं और उन भावों के माध्यम से जो विशुद्धि का संचार होता है जनमानस में, जो भी देखता है जनमानस में, ये प्राणी कल्याण है।
विशुद्धि का संचार होने से उसी समय उसके अनेक पाप दूर हो जाते हैं, ताप संताप दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में पुण्य का संचय होता है और पुण्य का संचय होने से अनेक प्रकार के उनके अंदर लाभ होता है।